नमस्ते, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। 2024 का चुनावी साल अपने चरम पर है, पार्टीज ने चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। ऐसे में अब यात्राओं और जनसभाओं के जरिए सियासी माहौल भी गर्मा चुका है। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को असम के संत श्री शंकर देव के जन्मस्थल में एंट्री नहीं दी गई है, जिसके बाद राहुल गांधी पार्टी नेताओं के साथ ही धरने पर बैठ गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कौन सा अपराध किया है, क्या मैं मंदिर नहीं जा सकता, क्या पीएम मोदी तय करेंगे कि मंदिर कौन जाएगा। वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने राहुल गांधी के धरने को ड्रामा बताया है। वहीं असम के मंदिर के साथ ही अयोध्या राम मंदिर को लेकर भी विपक्षी दलों के नाम आने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मंदिरों पर राजनीति हो रही है, आखिर मंदिर पर राजनीति कौन कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। ये तस्वीरें उस दौरान कांग्रेस के लोग जिन्होंने अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय राम मंदिर के ऊपर फैसला सुनाने वाला था, कांग्रेस के ही वो बड़े लोग थे, बड़े उच्च पदाधिकारी थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पेश हुए और उसको जाकर के बोला कि ये फैसला मत सुना देना, देश में खून की नदियां बह जाएंगी। कांग्रेस के ही लोग थे, कोई और नहीं था, वही तो थे ये लोग। और जिस प्रकार का जो बोल रहे हैं कि उन्होंने स्वीकार किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लोग देख रहे हैं, अब तो ये गठबंधन के अंदर गमंडिया गठबंधन को इकट्ठा करके विपक्ष के नेता बन गए, परंतु 2024 के अंदर ये विपक्ष के नेता भी नहीं बन पाएंगे गमंडिया गठबंधन के साथ। ऐसी हालात देश के लोग करने वाले 2024 में जो राम मंदिर का नहीं नहीं कोई नहीं रोकता, मंदिर जाने से कौन रोकता है, ड्रामेबाजी है, वो करते रहते हैं कुछ ना कुछ। वो उनका अब कुछ बचा तो है नहीं कांग्रेस में, अब ये ड्रामेबाजी बच रही, इसको ही करते रहते हैं, किसी ने नहीं रोका कहीं भी जाने से। वो जिस भी मंदिर में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अब वो जो बात करें थोड़ी देर में सामने आई भी आ भी जाएगी, वो कारण क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं नहीं समझता कि किसी को आम आदमी को रोकता है। कांग्रेस का इतना बड़ा लीडर, उसको तो कौन रोकेगा, तो कोई औचित्य नहीं लगता, गैर जिम्मेदारी वाला बयान है। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकते, क्या गलती की है मैंने, मैं बस हाथ छोड़ने जाना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट ये अलाउ नहीं कर रहे, अब देख रहे हैं, बस मैं कारण पूछ रहा हूँ। नाउ गवर्नमेंट एंड मोदी जी विल डिसाइड मंदिर कौन जा सकता है, कब जा सकता है और कब नहीं जा सकता है, शायद आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। तो कई बड़े सवाल इससे खड़े हो रहे हैं कि क्या मंदिरों पर ये राजनीति है, और अगर राजनीति है तो फिर इसमें कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तमाम बड़े सवाल हैं जो उठ रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, वंदना पोपली बीजेपी इस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बाल मुकुंद शर्मा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में है, और संजय राय जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम बाल मुकुंद शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। बाल मुकुंद जी, राहुल गांधी की तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें वो बयान दे रहे हैं कि मुझे मंदिर में एंट्री नहीं दी जा रही है, और साथ ही उसके बाद अब राजनीति भी तेज हो गई है, कई तरह के बयान हम साथ साथ सुन रहे हैं कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। नहीं नहीं, राहुल गांधी जी राजनीति नहीं कर रहे, राहुल गांधी जी एक सेवा भाव से ये जो यात्रा कर रहे हैं, और जो देश में आज जो माहौल पैदा हुआ है पिछले 9 साल में, उसको देखते हुए उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम पूरे हिंदुस्तान को एक करने के लिए जोड़ने के लिए यात्रा का उद्देश्य है। यात्रा का कोई गोपनीय एजेंडा नहीं है, जैसे बीजेपी वाले लोगों का एजेंडा है, धर्मिंद का एक एजेंडा है गोपनीय, हमारे लिए तो पूरा देश जिस तरीके से हमने जंग आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद एक नई सुबह के लिए एक जो हमारा ढांचा, जो भाईचारा, जो गंगा जमनी तहजीब है, जो अमन और चैन शांति इस देश में जो खराब करने की फिजाओं को खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसके संदर्भ में उसको ठीक करने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो दूसरा पार्ट है पूर्व से पश्चिम मुंबई से मणिपुर तक, और ये संतोषजनक से ये जो असम के मुख्यमंत्री है ना, इनके भी कुछ दिमाग में लोचा है, ये जानबूझ के ये हमारी पार्टी से गए लोग हैं, एक अपनी अपनी मानसिकता इनकी ठीक नहीं है, तो ये व्यवधान डाल रहे हैं, देखते हैं कब तक डालेंगे। हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे, उस जुल्म जालिमों से नहीं डरे, ये तो है ही कौन,
छुबीन का दाता पता नहीं रहेगा जब जनता उठ खड़ी हो जाएगी। ठीक है ठीक है बालमुकुंद जी, संजय राय जी का मैं इस पर ओपिनियन ले लेती हूँ। संजय जी, एक तरफ कहा जा रहा है कि मंदिरों पर राजनीति हो रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडर्स कह रहे हैं कि हमें मंदिरों में एंट्री नहीं दी जा रही है, आखिरकार क्या इसके पीछे की राजनीति है? मैं थोड़ा एज अ जर्नलिस्ट आपसे समझना चाहूंगी। संजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी अभी आवाज आ रही है, नमस्कार। जी आ रही है। जी मैं कहना ये चाहूंगा कि सबसे पहले तो देखिए जो कल का राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ उसके लिए पूरे देशवासियों को बधाई, और अब जो बात हो रही है हम लोग आज मंदिर पे राजनीति पे जो चर्चा जो चक्कर रहे हैं, कल देखिए राजनीति की कोई मुद्दा रह नहीं गया, और कल के बाद से आज राजनीति मंदिर के नाम पर राजनीति करने का कोई भी मुद्दा बचा नहीं है शेष। कारण कि जितने सालों से कई 500 सालों से जो मंदिर का आंदोलन ये चल रहा था, फिर जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो बाबरी मस्जिद के अंदर जो मंदिर पूजन हो रहा था, रामलला का जो पूजन हो रहा था उस पर बंद ताला बंद किया गया था, उसको राजीव गांधी सरकार में राजीव गांधी के द्वारा न्यायपालिका की दखल से उसका ताला खोला गया। ताला खोलने के बाद नरसिम्हा राव सरकार में उस बाबरी ढांचे को कल्याण सिंह के सरकार में, नरसिम्हा राव और कल्याण सिंह जी की सरकार में उस ढांचे को गिराया गया। गिराने के बाद बहुत से उत्पात हुए, बहुत से दंगे हुए, हर चीज का मुद्दा सांप्रदायिक बनता था वो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को। बाबरी मस्जिद देखिए अयोध्या में जाते तो बाबरी मस्जिद नाम का कोई चीज था नहीं, वहां पे स्थानीय मुसलमानों से भी पूछेंगे और सब चीज पूछेंगे, राजनीति थी नहीं, बाहर में राजनीति चलती थी और वो राजनीति लगभग खत्म हो गई कल की तारीख से, क्योंकि अब मंदिर बन चुका, रामलला के वहां विराजमान हो गए, अब इन चीजों पर रह गए नहीं गई बात। अब रही बात कल के राहुल गांधी के बयान की, तो एक मंदिर था जो उनकी यात्रा के दौरान के बीच में पड़ता था, वहां पर वो मंदिर में उस मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, ना कि अयोध्या में दर्शन करने के लिए आ रहे थे। उस मंदिर में कानून व्यवस्था और उन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने, वहां की स्थानीय सरकार ने रोका होगा, और जिसकी वजह से वो लोग वहीं पर बैठ करके और रामधुन गाने लगे। जो हम लोगों के पास जो सूचनाएं आई और जो कवरेज आई है वो उसके अनुमान थे, लेकिन वो रोका जाना वहां पर, अगर किसी को रोका जा रहा है दर्शन के लिए या पूजन के लिए, तो वो किस वजह से है वो वहां का? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब मैं वंदना जी से ले लेती हूँ। वंदना जी, अगर मंदिर में कोई एंट्री कर रहा है, कोई नेता मंदिर में जा रहा है, तो उसको रोकने का अधिकार तो नहीं है किसी को? उनको तो आसानी से अंदर भीतर जाने दिया जाए, क्यों राजनीति करने? अगर विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है, तो फिर राजनीति करने का मौका क्यों दिया जा रहा है? कांग्रेस को भी आप मौका क्यों दे रहे हैं कि इस पर राजनीति करें? सोनल, कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, वही हाल जो है कांग्रेस का हो रहा है। एक बार वो कहते हैं कि हम अयोध्या में मंदिर में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर जो प्रोग्राम है वो आरएसएस का है, और तभी वो अपने रास्ते में आसाम में जाके एक मंदिर में एंट्री लेने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि ये सभी को क्लियर है, ये अखबार में भी आया, मंदिर समिति ने भी यह बयान दिया है, क्योंकि उस समय प्रोग्राम का समय था, 10,000 लोग आने वाले थे, तो उन्होंने पूरे प्रशासन ने और साथ के साथ मंदिर समिति के लोगों ने देखा कि जो स्थिति है उसको देखते हुए उन्होंने मना किया कि कहीं ऐसा ना हो कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं आए। यहाँ तक ये भी कहा गया मंदिर समिति की तरफ से, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं, 3 बजे के बाद आए वो मंदिर में जा सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये है ही नहीं सोनल, बात ये है कि राजनीति कैसे की जाए। अभी यहाँ पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो बैठे हैं संजय जी, उन्होंने भी राजनीति की बात कही। आप ये कह रहे कि राजनीति खत्म हो गई, विपक्ष की तरफ से तो राजनीति कभी खत्म ही नहीं हुई थी। उन्होंने जो राम मंदिर को लेकर, भगवान राम को लेकर जो राजनीति की है वो बार बार देखने को मिली है। हमारे पर कई बार आरोप लगाए जाते हैं इस तरह के, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगी सोनल, कि सिर्फ एक ही ऐसा चुनाव हुआ जिसमें राम को लेकर राजनीति हुई, वो थी 1989 का चुनाव था, जिसके अंदर स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने अयोध्या से अपना प्रचार शुरू किया और राम राज्य की बात कह के प्रचार शुरू किया, उसको बोलते हैं राजनीति करना।
जब ये कहा जाता है कि भारत में क्या भगवान राम ही नहीं है, तब उसको कहा जाता है राजनीति करना। जब ये कहा जाना कि हिंदू आतंकवादी है उसको कहा जाता है राजनीति करना। जब ये कहा जाता है कि जो मंदिर में जाते हैं वो छेड़खानी करने के लिए जाते हैं उसको कहा जाता है राजनीति करना। ये तमाम तरह की राजनीति जो है विपक्ष के द्वारा की जा रही है। और आज भी एक पूरा ढोंग किया गया, अयोध्या में नहीं जाएंगे क्योंकि आरएसएस का प्रोग्राम है। सोनल, मैं इस बात पर भी जरूर कहना चाहूंगी कि महात्मा गांधी के विचारों को जो नहीं मानते वो राजनीति के अलावा क्या कर सकते हैं, ढोंग के अलावा क्या कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने सबसे पहले राम राज्य का उद्घोष किया था। उनका जो भजन था वो रघुपति राघव राजा राम था। उनके आखिरी शब्द थे वो हे राम थे। उसके बावजूद ये क्या कहते हैं कि जो राम मंदिर है वो आरएस का या बीजेपी का प्रोग्राम है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं की होगी, वो दिख रहा है। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। बाल मुकुंद जी, जिस पहले चुनाव की बात की गई, देखिए अगर हम राम मंदिर का इतिहास भी उठाकर देखते हैं तो इस मुद्दे पर यह तो साफ है कि सबसे पहले राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस की तरफ से ही बनाया गया था। सबसे पहले एक चुनावी हथकंडे के तौर पर अगर किसी पार्टी ने इस्तेमाल किया था राम मंदिर का तो वो कांग्रेस पार्टी ही थी। ये तो हिस्ट्री है, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना। ये कोई हिस्ट्री नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं प्रूफ दूंगा आपको। और ये मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन बदकिस्मती है हवा जैसे बहरी है, हमें भी उस हवा को देखना पड़ेगा, हम उससे अछूते नहीं रहेंगे। ये तो आज से 150 साल पहले कोर्ट में केस है। और अब जो राम मंदिर, आज भगवान का भव्य राम मंदिर बना है, तो मैंने तो अभी 17 तारीख को अयोध्या जाने का प्रोग्राम था मेरा, अभी भी जाएंगे हम दर्शन करने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ ये कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है, इसमें किसी का, आज प्रधानमंत्री अगर मोदी जी की जगह इस बात को तो कोई इनकार नहीं कर रहा ना, संविधान में तो सबका भरोसा बराबर है। और इस राम मंदिर के बनने में अगर किसी संघर्ष रहा कि जिन लोगों का रहा, ये राजनीतिक मुद्दा इतर है, लेकिन ये सबसे बड़ी जीत तो संविधान की जीत है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। संघर्ष रहा, अरे जिसका संघर्ष रहा ना, उनको तो बुलाया भी नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और वो दोनों जो वो थी मेहनती रितंबरा और उमा भारती, वो तो रो रही थी कि देखो क्या हुआ, वो भावुक होकर रो रही थी। उनकी जो तस्वीर सामने आई थी, बाल मुकुंद जी देखिए प्लीज, ये तो मत कीजिए, वो भावुकता से वो जो तस्वीर थी वो बहुत भावुक थी। दोनों गले मिलकर रोती हुई दिखाई दी, उनका अपना एक संघर्ष रहा था, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और वो तब रो रही थी। पूछा उनसे, आप मेरी बात सुनिए, मैं इस बात पर नहीं जाता, वो तो सबके आराध्य है भगवान, आप इस बात पर आ जाइए। क्या जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तब आप मंदिरों की राजनीति करते, तो आज ये भुखमरी होती इस देश में, पाकिस्तान जैसा हाल होता, या आज दुनिया की शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में खड़े हुआ तो मंदिरों पर राजनीति कौन कर रहा है? हमारा तो मुद्दा ही यही है, आज हमारा तो मुद्दा ही है बाल मुकुंद जी, हम तो दोनों पार्टी से बराबर सवाल पूछ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार को हमने बिठा रखा है, वो इसीलिए बिठा रखा है। संजय जी इस पर संतुलित बात कर रहे हैं, दोनों ही पार्टी की बात कर रहे हैं। अरे यही राजनीति हो रही, जब ये बीजेपी के प्रवक्ता रही है, बहुत दूसरे लोग बोलते हैं आप बीच में बिल्कुल टोकते, मैं बोलता हूँ आप बीच बीच में बोले जाते, मेरे को तो कह लेने दीजिए कुछ है। मैं कह, जब देश आजाद हुआ, हमने इस देश में आज 70 साल के इतिहास में, ये 70 साल के बाद जितनी भी क्रांति आई है, चाहे वो हरित क्रांति हो, सफेद क्रांति हो, आईटी क्रांति हो, संचार क्रांति हो, वो हमारे समय में आई, कांग्रेस के देन है ये सब लोग। 10 डैम बने आजादी के बाद, भाखड़ा डैम से लेकर आज जितने डैम बन रहे। लेकिन चलिए आज के मुद्दे पर आइए, आज के मुद्दे पर आइए बाल मुकुंद जी, अगर आप अपनी उपलब्धियों की फेरिस्त गिनवाएंगे तो फिर वंदना जी भी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे, हमारा तो मुद्दा गौण हो जाएगा ना। हम तो मंदिर पर सियासत की बात कर रहे हैं, मंदिर पर सियासत कौन कर रहा है, कौन पार्टी? आपका मुद्दा ये नहीं होना चाहिए, आपका मुद्दा सरकार से सवाल पूछना भी होना चाहिए, बेरोजगारी कितनी है, 2 करोड़ रोजगार साल के देने थे वो कहां गए, 100 स्मार्ट सिटी बनाने थे वो कहां गए। क्या मंदिरों पर राजनीति की बात कांग्रेस नहीं कहती? बाल मुकुंद जी आप ये आरोप नहीं लगाते कि मंदिरों पर राजनीति हो रही है और बीजेपी मंदिरों पर राजनीति कर रही है, तो फिर आप क्यों, फिर बेरोजगारी की बात आप क्यों नहीं कर रहे? जो मसला आप उठा रहे हैं, अगर वही बात हम कह रहे हैं तो आपको तकलीफ है इस बात से? विकास की बात करिए, आज जिस दौड़ पर आगे निकलना है ना दुनिया में, वो बात करिए। ठीक है ठीक है ठीक है, वंदना जी के पास में वंदना जी जवाब दीजिए। ठीक है, कांग्रेसियों को मोदी आप बिंद हो गया है अभी, ये कह रहे हैं हमें, आप एक काम की बात करिए, एक काम की बात करिए, कहते हैं 370 करोड़ करते हैं आप, ट्रिपल तलाक पर भी विरोध करते हैं आप, मंगलयान जाता है तब भी आप विरोध करते हैं। मंगलयान आपने भेज दिया क्या? मंगलयान मैंने बोली थी बाल मुकुंद जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी,
मैं मुझे बोल लेने दीजिए। देखिए आप कोई भी ऐसा विषय आता है जो मोदी जी से लेकर आप हर एक विषय का विरोध करते हैं, राजनीति करने की बात है, सुन लीजिए मंदिर पे राजनीति करने की बात है, ये बताइए रामलला इतने सैकड़ों सालों बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उसके बावजूद जहां पूरे भारत में खुशी थी और भारत छोड़िए विदेशों में खुशी थी, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी कौन थे आपको मैं फैक्ट के साथ बताना चाहूंगी, एक एक डेट के साथ बताऊंगी, आप सुनिए। 1949 दिसंबर में से लेकर 12 साल तक जब रामलला प्रकट हुए उससे लेकर 12 साल तक जब ये केस चला, मुस्लिम पैरोकार नहीं था, लेकिन 12 साल में के बाद जब उसका समय सीमा खत्म होने वाली थी उसके बाद वो केस निरस्त हो जाता, उसका एक हफ्ते पहले जो पैरोकार बनकर आए वो कौन थे वो भी जानना चाहिए। दूसरी बात, 1976 तक उस मंदिर की खुदाई में एवोकेशन जब हो रही थी, खंबे निकल रहे थे, उसको इंदिरा गांधी ने बंद करवाया, वो राजनीति कौन कर रहा था ये बताना जरूरी है। जिन्होंने सदैव राजनीति की है उनको राजनीति नजर राजनीति के साथ साथ देखिए कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन भी रहा। संजय जी कुछ कह रहे हैं, संजय जी से हम ओपिनियन ले लेते हैं। संजय जी कंट्रीब्यूशन की तो बात नहीं करेंगे ना ये जी। सबसे पहले बात देखिए, जो पिछला गया जाने के बाद हम उस पिछले को अगर उधेड़ते हैं कि मुलायम सिंह ने क्या किया, फिर कल्याण सिंह ने क्या किया, कार सेवकों पर गोलियां क्या चलाई, किसने क्या किया, बहुत सी बातें आ जाएंगी और हमारा वक्त खत्म हो जाएगा। आज बात है कि मंदिर के निर्माण कोर्ट ने आदेश किया कि मंदिर का निर्माण हो, वहीं पर अब मस्जिद का भी निर्माण की भी बात कोर्ट ने की थी कि जो उनके लिए मुसलमानों के लिए जगह दी जाए तो उनके लिए निर्माण की बात है, तो वो कब क्या कैसे होगी वो भी अब सरकार को करने का जिम्मा है। राम मंदिर बन चुका है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। देखिए सोनल जी एक बार मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप कीजिए, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ। नंबर वन, अब वो भी मुद्दा है कि वो भी वो कैसे बनेगा, उसमें भी कोई विवाद नहीं, उनको जगह दे दी गई है, वो जगह देने के बाद वो बनना चाहिए, उसका भी उद्घाटन इसी तरीके से हो, मैं तो ये कहूंगा। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये इतिहास की बात अगर छेड़ेंगे तो हिस्ट्री में तो वंदना जी की अचीवमेंट्स भी रही हैं, उसके साथ साथ राजनीति भी रही है, उसको तो आप नहीं गिनवा सकते हैं। इस पूरे मामले में अगर हम नेहरू जी का जिक्र करते हैं, उनका अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, बालमुकुंद शर्मा जी, लेकिन अब जो ये मसला सामने आ रहा है, अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वंदना जी कह रही हैं कि सिक्योरिटी के को देखते हुए मना किया गया राहुल गांधी को भीतर जाने के लिए और 3 बजे के बाद उनको अलाउ भी करने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बाद ये बयानबाजी, इस तरह का माहौल, आपको नहीं लगता कि अगर एक तरफ राजनीति हो रही है, बीजेपी अगर मंदिरों पर राजनीति कर रही है तो क्या कांग्रेस उससे अछूती है क्या? सोनल जी मैं राजनीति की बात कर उत्तर देखिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारी यात्रा संपन्न हुई तो उसमें मैं कहता हूँ बीजेपी की सरकारें थी हर जगह, इनका योगदान रहा, कहीं नहीं हुआ ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। मैं केवल असम का स्पेसिफिक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, ये जो असम के मुख्यमंत्री है उनके दिमाग में लोचा है, मैंने कभी राजनीति की बात नहीं की, मैं जो फैक्ट्स है और ये फैक्ट्स है सच्चाई। अब ये कश्मीर से कन्याकुमारी हमारी यात्रा हुई उसमें कोई व्यवधान नहीं आया, भाजपा की सरकारें थी, इन्होंने हमारे को सुरक्षा भी प्रोवाइड कराई है, सब कुछ किया है, हमने कोई सवाल नहीं उठाया कहीं भी कोई। अभी मैं बताता हूँ, आसाम से जैसे हम निकलेंगे पूरे देश में संपन्न होगी यात्रा, तो आपको कोई लगते कि कुछ स्टेट्स में जानबूझकर व्यवधान डालने की कोशिश हो रही है? ये जो मिस्टर बिस्वा है, हिमंत बिस्वा शर्मा, इनके दिमाग में लोचा है, ये जब कांग्रेस में थे तो वो छोटे कैडर के लीडर थे, राहुल जी इनको टाइम भी नहीं देते थे, इनका कद नहीं था इतना, अब ये अपनी खुन से निकाल रहे हैं, इसमें मुद्दा राजनीति है नहीं, एक आदमी की ईगो है लेकिन उसको महंगा पड़ेगा। ये मैं ये बता देता हूँ, उस व्यक्ति को वो आदमी भ्रष्ट है और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए भाजपा में गया है, अब भाजपा में अपने नंबर ये एक तरह से क्या कहते हैं अपनी अपनी इमेज को दिखाने के लिए, सबसे भ्रष्ट आदमी है वो राहुल जी ने भाषण में पहले दिन का और ये आंकड़ों पे कहा है, ये करे कोर्ट, राहुल जी को कोर्ट में ले जाए, मुझे ले जाए कोर्ट में, सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर है वो, दूसरे लोगों को भ्रष्टाचार के आयाम से ठीक है। वंदना जी, बालमुकुंद जी कह रहे हैं कि जानबूझकर कुछ स्टेट्स में ऐसी समस्याएं पैदा की जा रही हैं कि जो यात्रा चल रही है उसमें किसी न किसी तरह की मुसीबत डाली जाए, व्यवधान डाला जाए। देखिए व्यवधान से पहले मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगी कि आपने भी यहाँ पर कहा कि भाजपा राजनीति कर रही है, भाजपा के लिए कभी भी राजनीति का विषय नहीं है, ये चुनाव की राजनीति का विषय नहीं है और कभी भी ये नहीं रहा। साथ के साथ अगर ये आप कहना चाहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगी, राम मंदिर हमारे लिए भारत की संस्कृति का विषय है, भारत की पहचान का विषय है, राजनीति का विषय कभी भी नहीं रहा। लेकिन दूसरी बात, यहाँ पर जब व्यवधान की बात हो रही है, सोनल आपको याद होगा जब इनकी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो हमने बार बार प्रश्न किए
हमने राष्ट्रीय लेवल पे भी प्रश्न पूछे, हमने हरियाणा में भी जो प्रवक्ता बैठे थे, नेता थे, सबसे पूछा कि भारत में टूटा क्या है वो तो बता दो, उसका जवाब नहीं दिया। कन्याकुमारी से चले राहुल गांधी और पहुंच गए कश्मीर में। कश्मीर में वंदना जी देखिए ये बात गलत है, ये बात गलत है। संविधान ने आजादी दी है, कोई न्याय यात्रा निकाले, कोई भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वो तो उनका अपना हक है, हर पार्टी के पास हक है। आप यात्रा निकाल लीजिए। बिल्कुल वही तो कह रही हूँ ना मैं, कोई भी यात्रा निकाल सकता है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि भारत जोड़ो, भारत टूटा कहाँ से है? और कश्मीर में जाके बर्फ में खेलते हुए बोलते हैं कि यहाँ तो सब कुछ ठीक है। अरे हम भी तो ये कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, कहीं पर कोई मुश्किल नहीं है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। और अब ये व्यवधान की बात करते हैं, ये चाहते हैं कहीं ना कहीं को व्यवधान हो जाए। नहीं पर भारत जोड़ो अगर किसी यात्रा को नाम दे दिया गया, भारत जोड़ो, तो भारत जोड़ो तो एक कॉमन शब्द है, उसको बीजेपी ने अपने ऊपर क्यों लिया कि भारत जोड़ो का और बीजेपी का क्या नाता है फिर? वो तो कांग्रेस ने अपना नाम दिया भारत जोड़ो। नहीं नाम दे, लेकिन उसके बाद ये तो ना कहे ना कि भारत टूटा हुआ है। भारत कभी आर्मी में प्रश्न उठाते हैं, दिल टूटे हुए हैं, दिल टूटे हुए हैं, आपने लोगों में विच्छेद किया है, सुप्रीम कोर्ट में हिंदू मुस्लिम को क्या है, महिला पुरुषों क्या, आप आदमी में भेद करते हो। लेकिन इतना बता दीजिए मुझे, अगर मंदिर समिति ने कहा कि आप 3 बजे आ जाए, मानसिक रूप से तोड़ रहे हो देश को आप, ये राजनीति कौन कर रहा है? जी समय नहीं दे पा रहे हैं मुझे, तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो चीज राहुल गांधी कल चाह रहे थे वो बीजेपी ने कर दिया। कारण उसको प्रचार नहीं मिल रहा था, केवल मंदिर की बातें हो रही थी। अगर वो एक बार मंदिर में चला जाता कोई नहीं जान पाता, उसको रोकने से उसको प्रचार मिल गया। अब यही मुद्दे को हम अगर बार बार चर्चा करेंगे, राहुल गांधी करेंगे, तो राहुल गांधी को निश्चित उसको प्रचार मिलेगा। अगर जिसका नाम लेंगे आप बार बार विरोध में, तो जरूर उसको प्रचार मिलेगा। हमें तो यही चीज करना चाहिए उसको, अगर एक दिन अगर दर्शन के लिए जा रहा, दर्शन करा के छुट्टी कर देते, वहां कुछ नहीं देता। हम लोग का अच्छा खासा कार्यक्रम चल रहा था, मंदिर का निर्माण हो गया, प्रधानमंत्री ने एक चीज अच्छा बोला, मोहन भागवत जी ने इतना अच्छा बोला, अवैधनाथ जी, आदित्यनाथ जी ने अच्छा बोला, सबकी बातें सुन करके आगे बढ़ते। ये मुद्दा ही नहीं बनता, मुद्दा तो बन गया जानबूझ के, जिसे कहा जाता है ना कि जो राहुल गांधी चाह रहा था वो भाजपा ने सबसे पहले किया है वंदना जी से कि अगर मंदिरों पर राजनीति की बात हो रही है तो फिर मुद्दा दे कौन रहा है? अगर आप कांग्रेस पार्टी, बीजेपी ने बना दिया इसको, मुद्दा बीजेपी ने बना दिया कि क्योंकि राहुल गांधी को अगर हाइप देना है, इस तरह से हुआ। जब जिस समय रथ यात्रा निकाली क्यों गई? क्योंकि उस वक्त आरक्षण का आंदोलन चल रहा था, आरक्षण का आंदोलन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, और उस चीज को मंडल आयोग को काम को हटाने के लिए रथ यात्रा निकाली गई। अभी तो राजनीति की गई। वंदना जी मैं लौटूंगी आपके पास, बाल मुकुंद जी का रुख कर लेते हैं एक बार। बाल मुकुंद जी, जी देखिए ये यात्रा निकालना प्रजातंत्र की सबसे अच्छी खूबी है, और प्रजातंत्र में जनता के पास जाने का एक माध्यम होता है नेता के पास। हमारी कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक है राहुल गांधी, और वो जन जन तक पहुंच करके जनता की आवाज सुने, और ये पक्ष और विपक्ष का यही काम होता है। सत्ता पक्ष के लोग सत्ता में शासन चलाते हैं, लोगों को सुविधा देते हैं, और हम लोग जो कमियां रह जाती है उनको उठाते हैं। वो जमीन पर जाके तो पता लगेगा, राहुल जी जब जमीन पर घूम रहे हैं देश में तो उनको पता लगेगा सारी कमियों को, वो आकर के संसद में उठाएंगे, हम भी सड़कों पर उठाएंगे। हरियाणा में भी हमारी जनसंदेश यात्रा चल रही है। ये तो एक प्रजातंत्र की एक एक कड़ी है, इसके बारे में बीजेपी को इतना बुखराना नहीं चाहिए। आपको मेरी आवाज आ रही सोनल जी? जी जी बिल्कुल सुन पा रहे। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश का ढांचा जो है वो ढांचा है भाईचारे का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जो भी लोग रहते हैं वो सब मिलके रहते हैं। एक एक बहुमत के आधार पर कोई आप ये सोचेंगे किसी का बहुमत और उसी की बात करें, बाकी लोगों को ये एक तरह से असुरक्षा की भावना में जीने दे, ऐसा कांग्रेस नहीं करती। हम धर्मनिरपेक्ष शासन है हमारा, और कांग्रेस बड़े लंबे 90 साल का तो संघर्ष आजादी के लड़ाई के लड़ने का रहा, स्थानीय क्रांति से 1947 देख के, इसलिए मेहनत करके आगे बढ़ने वाले लोगों को रोकना नहीं चाहिए। ठीक है वंदना जी, बाल मुकुंद जी कह रहे हैं कि भारत को तोड़ने की कोशिश हो रही है, अलग अलग स्तर पर हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए आज बड़ी बड़ी बातें इनको याद आ रही है, वो समय भी था जब इनका राज था और किस प्रकार से
लोगों को दबाया जाता था, हम सभी ने देखा और किस प्रकार से गोलियां चलती थी, लेकिन आज समय बदल गया है। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे मोदी सरकार नजर आते हैं। आप ये देखिए, ममता बनर्जी चंडी का पाठ करती नजर आती है, प्रियंका गांधी जी आचमन करती नजर आती है, केजरीवाल जी सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं, और जब मंदिर में जाने की बात होती है तो कहते हैं वो RSS का कार्यक्रम है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इनको जानना चाहिए कि कहीं ना कहीं मोदी के विरोध में ये राम विरोधी मंदिर है इस देश में, और मंदिर ही थे नहीं पहले 70 साल से मंदिर ही थे और मंदिर नहीं थे इस देश में अभी तक। आप ऐसी बात तो करो, बिना भी काम नहीं चलेगा, इसीलिए तो मंदिर में गए। आप मंदिर ही थे सारे देश में, ये भगवान राम का भव्य मंदिर बना, इससे पहले मंदिर सारे। आटे को लीटर में तोलना आता है, जिसको सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग है उसको दो शब्द नहीं बोल सकता। 12 ज्योतिर्लिंग भी इस देश में चाहते हैं राहुल गांधी के नहीं, अक्षरधाम अक्षरधाम जनता को गए कभी व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री के पद में बिठाना चाहते हैं कि सबको पता चले ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल दो शब्द नहीं बोल सकता, जो जनता के बारे में नहीं जानता, जो हमारी संस्कृति के बारे में नहीं जानता, उसका प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं उनके बारे में लोगों को पता चले, लेकिन वंदना जी, वंदना जी, वंदना जी, मेरा मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है आपसे। ठीक है ठीक है ठीक है, दिखते वो नजर आते हैं, हो गया वो, ठीक है। वंदना जी टोपी पहन कर घूमते थे, वंदना जी पूजा पाठ का अधिकार तो सबको है, वो कहाँ पूजा करना चाहते हैं, किस ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं, वो उनको अधिकार है। और अगर बात अयोध्या में राम मंदिर के कांग्रेस के एंट्री की होती है या कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नाराजगी की होती है, वो अगर ये कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम RSS का, तो वो भी उनकी आजादी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि चार शंकराचार्य वो भी नहीं पहुंचे। अगर उनकी एंट्री पर आप कहते हैं कि ये उनका अधिकार है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी आजादी से फैसला ले सकें कि वो जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते? सोनल, मुझे लगता है कि इन दोनों को कंपैरिजन करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं है, लेकिन उस पर वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो अपने विचार को मायावती भी नहीं गई थी रखा है। जिस बात को लेकर उन्होंने कहा है, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो मंदिर की बात की है उन्होंने, मुझे लगता है राम भूमि ट्रस्ट ने उसको निश्चित रूप से स्थापित किया है। और आपको दो तीन फैक्ट और रखना चाहूंगी, हालांकि शास्त्रों की जानकारी उनको ज्यादा बेहतर होगी, मैं उसको ज्यादा नहीं जानती, लेकिन कांग्रेस अगर उनकी बात को आगे सामने रखकर कहना चाहती है तो मुझे इतना बता दीजिए कि इतने सालों तक रामलला टेंट में रहे, टेंट फट जाता था परमिशन लेनी पड़ती थी, कपड़े फट जाते थे परमिशन लेनी पड़ती थी सिलाई के लिए, तब विधि विधान याद नहीं आया आपको, तब तो आपने नहीं सोचा कि रामलला का कोर्ट में था विषय, विधि विधान से कोर्ट में था, कोर्ट में आपको तकलीफ है क्या, बीच में कोर्ट में था, बीच में कोर्ट में था, ठीक है ठीक है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाल मुकुंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया, संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मंदिरों पर राजनीति कौन कर रहा है, कौन पार्टी है जो मंदिरों पर राजनीति करके अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहती है, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है? आरोप प्रत्यारोप का दौर पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से जारी है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जो राजनीतिक परिदृश्य इस वक्त नजर आ रहा है, उससे साफ तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी पार्टी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।